एंड वेलकम एवरी वन टू द रिविजन सीरीज पार्ट टू जिसमें कि हम लोग राउंड द ईयर करेंट अफेयर फ्रॉम जनवरी टू डिसम्बर कवर कर रहे हैं जैसे कि लास्ट क्लास में भी मैं बताई कि हम लोग हर क्लास में टू फिफ्टी प्लस वन लाइनर्स को डिस्कस करेंगे जो कि सिलेक्टिवली सारे मंथ्स के टॉपिक्स को ऐड करके लिए गए हैं ताकि हम लोग हर वीडियो में राउंड द ईयर को कवर करें ना कि किसी सिंगल मंथ बेसिस पे कवर करें अगर आप इस सीरीज को कम्प्लीटली देख लेंगे तो आप अपने मैक्सिमम क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे रिलेटेड टू करंट अफेयर्स एंड जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए बता दूं कि ये रिविजन सीरीज हैं तो आंसर डिस्प्ले नहीं होगा आप लोग अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपने कितना रिटेन किया है आप पहले मैं क्वेश्चन बोलूँगी देन आपको आंसर बताऊँगी सो लेट्स बिगिन आयर क्लास जो रेलवेज मिनिस्ट्री है उसने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो नाम है वो बदल के क्या रखा है तो रीनेम करके नेम रखा गया है इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस तो आर पी एफ का नाम बदल के रख दिया गया है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस नेक्स्ट कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है टू डिलीवर सैंड एट कस्टमर्स डोर स्टेप्स आंसर इज आंध्रा प्रदेश सैंड माइनिंग को रोकने के लिए उन्होंने इनिशियेटिव लिया है टू डिलीवर सैंड एट कस्टमर्स डोर स्टेप्स January 1st, 2020 को RBI ने मनी एप्लीकेशन लॉन्च की थी टू आइडेंटिफाई न्यू हैं उनके लिए मनी एप्लीकेशन आर ने लॉन्च की है नेक्स्ट है कि मनी की फुल फॉर्म क्या है तो मनी की फुल फॉर्म है मोबाइल एडिड नोट आइडेंटिफायर मनी एडिड मोबाइल एडिड नोट आइडेंटिफायर मनी की फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर जो कि विजुअली चैलेंज के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है नेक्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पी पी आर टी एम लॉन्च किया है जो कि है पोलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम पोलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है नेक्स्ट है वन हंड्रेड एंड सेवन एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस 2020 थाउजेंड कहाँ पे हुआ था तो ये बेंगलुरु में हुआ था वन सेवन वन हंड्रेड एंड एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस 2020 थाउजेंड हेल्ड इन बेंगलुरु इन द ऑनर ऑफ टू हंड्रेड बर्थडे ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टू को डेजिग्नेट किया है एज अ ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ तो आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में कि जो 2020 है उसको डेजिगनेट किया गया है एज ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ बाय वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए ऑर्गे टू हंड्रेड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल फ्लोरेंस नाइटिंगेल को और क्या कहा जाता है लेडी विद द दैम्प लेडी विद द लैम्प तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को और किस नाम से जाना जाता है लेडी विद द दैम्प पहली ऐसी कौन सी कंट्री है टू बैन सन क्रीम इज़ हार्मफुल टू कोरल्स पहला पैसिफिक नेशन कौन सा है जिसने सन क्रीम को बैन किया है क्योंकि वो कोरल्स को इम्पेक्ट करता है तो वो पैसिफिक आइलैंड है प्लाउ जो अभी रिसेंटली uh, कॉन्स्टिट्यूट हुआ है नेशनल मेडिकल कमीशन उसके फर्स्ट चेयरमैन कौन है तो उसके फर्स्ट चेयरमैन हैं प्रोफेसर सुरेश चंद्र कोई भी जो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी होती है उसके जो हैड फर्स्ट चेयरमैन हैड होते हैं वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन इज सुरेश चंद्र खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं वो फेबररी 2020 में कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए हैं तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स गुवाहाटी में हुए थे इन असम गुवाहाटी असम में हुए 2020 में और इसमें विनर कौन सी कंट्री रही तो इसमें मेडल्स में महाराष्ट्र कौन सी स्टेट रही सॉरी इसमें महाराष्ट्र ने लीड किया फॉलोड बाय हरियाणा इसी से रिलेटेड एक और फैक्ट जो आपको पूछा जा सकता है कि 2021 में जो खेलो इंडिया यूथ, यूथ गेम्स हैं उनका वेन्यू क्या होगा तो 2020 में वो पंचकुला हरियाणा में ऑर्गेनाइज होंगे इन 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स पंचकुला हरियाणा में होंगे फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट ऑफ गुजरात जो है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सौराष्ट्र सोarashtra रीजन में सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट ऑफ गुजरात 2020 में 2636 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एस्टेब्लिश किए गए अंडर फेम इंडिया स्कीम फेज टू में तो जो फेम स्कीम है इट स्टैंड्स फॉर फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फास्टर अडॉप्शन फास्टर अडॉप्शन

फर्स्ट इंडियन जिसको वर्ल्ड नंबर वन अंडर ट्वेंटी वन मैन सिंगल कैटेगरी रैंकिंग इन इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में अंडर ट्वेंटी वन मैन सिंगल कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर वन में कौन से भारतीय हैं तो आंसर इज मानव ठक्कर नाइनटीन ईयर ओल्ड टेबल टेनिस प्लेयर हैं वो तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मानव ठक्कर किस गेम के साथ रिलेटेड हैं तो टेबल टेनिस के साथ रिलेटेड हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वो रैंक वर्ल्ड नंबर वन घोषित हुए हैं इन अंडर ट्वेंटी वन मैन सिंगल कैटेगरी इंडियन ओरिजिन की कौन सी गर्ल है जो जिसने कॉन्कर किया है सिक्स हाईएस्ट पीक्स इन सिक्स कंटिनेंट्स तो वो है पूर्णा मालावत सच क्वेश्चंस आर आस्क्ड अगेन अगेन इन योर एग्जाम्स पूर्णा मालावत पहले भी न्यूज में थी इन 2014 शी वाज़ यंगेस्ट गर्ल टू स्केल माउंट एवरेस्ट एट द ऑफ़ थर्टीन इलेवन मंथ्स तो उन्होंने पहले माउंट एवरेस्ट को अब उन्होंने किए हैं पूर्णा मालावत इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है जनरल बिपिन रावत ये भी न्यूज में बहुत ज्यादा रहा है जनरल बिपिन रावत जो हैं वो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मणिपुर की जो एथनिक ग्रुप हैं मिताई जो लोग हैं उनका जो फेस्टिवल है लाए हरोबा ये कहाँ पे मनाया जाता है इन अगरतला कैपिटल ऑफ त्रिपुरा तो लाए हरोबा जो फेस्टिवल है किसका है मिताई पीपल जो कि एथनिक ग्रुप है मनी मणिपुरी लोगों का और ये लाहुरबा फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट होता है इन अगरतला त्रिपुरा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक नया डिवीजन सेटअप किया है जिसका नाम है नेस्ट तो नेस्ट की फुल फॉर्म है न्यू एंड इमर्जिंग न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजीज न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजीज नेस्ट नेस्ट किसकी डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हाईली इंपॉर्टेंट है आप उनको एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में जैसे कि मिनिस्ट्री की नई डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ईरान का जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉप्स हैं उनके चीफ कासिम सुलेमानी की यूएस के ड्रोन स्ट्राइक में डेथ हो गई थी उसके बाद उनके जो नेक्स्ट चीफ उनकी जगह अपॉइंट हुए हैं वो कौन है तो वो हैं इस्माइल कानी इस्माइल कानी ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप के न्यू चीफ़ हैं ये न्यूज़ बार बार थी क्योंकि इसको लेके काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा उनकी असेसिनेशन को लेके कासिम सुलेमानी की क्योंकि यूएस के ड्रोन स्ट्राइक से उन, उनकी डेथ हुई थी तो उनकी जगह किसको अपॉइंट किया गया है इस्माइल कानी को साइबर सेफ वीमेन जो कम्पेन है इंडिया की कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है तो इसको महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है साइबर सेफ वीमेन पहली बार जो डिफेंस एक्सपो हुआ इंडिया में उसमें डिफेंस कंक्लेव हुई बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका तो पहली बार ऐसा हुआ कि डिफेंस एक्सपो में इंडिया और अफ्रीका में डिफेंस कॉन्क्लेव हुई जो तशरीन रेवोल्यूशन है या अक्टूबर रेवोल्यूशन है ये कौन सी कंट्रीज़ में ये कौन सी कंट्री में हो रहा था न्यूज़ में था ये ईरान में था तो अगर आपको तशरीन रेवोल्यूशन पूछा जाता है तो वो ईरान से रिलेटेड है ईरान के जो फॉर्मर कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे उनको एज़ अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया 2020 में वो कौन थे इसके बाद आगे हम देखेंगे कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट हुए थे लेकिन सबसे पहले इनको फेबररी में एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था तो वहाँ के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन थे मोहम्मद अलावी इंडियन नेवी ने कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज मालता अभियान जो है सुंदर में किया सुंदरबंश कहाँ पे लुक... कौन से कहाँ पड़ता है इन कोलकाता कोलकाता वेस्ट बंगाल में मालता अभियान जो है ये काफ़ी ज्यादा न्यूज में था कोस्टल सिक्योरिटी एक्साइज है इंडियन नेवी की ऑन मालता रिवर इसको मैंने लास्ट uh, सीरीज में भी डिस्कस किया था अगेन फिर से रिपीट कर रही हूँ कि कि जो मालता है जो मालता रिवर है वो कहाँ पे है सुंदरबन रीजन में है लेबर मिनिस्ट्री ने अपनी पॉलिसीज को ग्रास रूट लेवल तक इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है संतुष्ट संतुष्ट पोर्टल जो है वो लेबर मिनिस्ट्री का है टू तो इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ एट ग्रास रूट लेवल जो वर्ल्ड कैंसर डे है ये यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के द्वारा किया किया गया है कि किस दिन होता है फ़रवरी फोर को फ़रवरी फोर इज वर्ल्ड कैंसर डे ऑस्ट्रेलियन ओपन में मैन सिंगल का टाइटल किसने जीता इस साल सर्बिया के प्लेयर नोवक जोकोविक ने और हमने लास्ट सीरीज़ में डिस्कस भी किया था जिसको मैं फिर आपको रिवाइज़ कराती हूँ कि यूएस ओपन में इनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया था क्योंकि एक्सीडेंटली इनसे एक बॉल हिट हो गई थी ऑन द थ्रोट लाइन ऑफ अ वमेन तो यूएस ओपन में इनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया था लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ओपन के मैन सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता था ऑस्ट्रेलियन के ओपन में मैन सिंगल का जो टाइटल है वो किसने जीता इस साल वुमेन सिंगल का टाइटल सोफिया कैनिन ने सोफिया कैनिन ने सिंगल का टाइटल लिया ये क्वेश्चन दोबारा दोबारा एग्जाम में रिपीट मोड में पूछे ही जाते हैं हर साल तो आप इसको जरूर ध्यान में रखें नेक्स्ट जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है 2020 का जिस जिसको की फरवरी टू को ऑर्गेनाइज किया जाता है उसका थीम क्या था उसका थीम था वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड वेटलैंड डे किस दिन होता है फेबररी टू को और उसका थीम क्या था वेटलैंड एंड बायोडिवर्सिटी जो एलेवेंथ एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो है वो कहाँ पे हुआ तो वो लखनऊ में हुआ इन यूपी नेक्स्ट इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी में इंडिया का रैंक क्या है तो इंडिया का रैंक फोर्टी था आउट ऑफ फिफ्टी थ्री कंट्रीज़ इंडिया का रैंक था फोर्टी इंडियन आर्मी के मेजर अनूप शर्मा ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट अगेंस्ट ए के फोर्टी सेवन बुलेट जो था वो डेवलप किया अंडर प्रोजेक्ट अभेद्य प्रोजेक्ट अभेद्य के अंदर उन्होंने वर्ल्ड्स फर्स्ट बुलेट प्रूफ हेलमेट डेवलप किया अगेंस्ट ए के फोर्टी सेवन बुलेट्स इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो ने, नेटवर्क जो इंडिया का सिक्सटी नाइन किलोमीटर्स का दिल्ली मेट्रो के बाद जो आता है फर्स्ट दिल्ली मेट्रो है उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क इन इंडिया जो है वो कहाँ का है तो वो हैदराबाद मेट्रो रेल है हैदराबाद का जो मेट्रो रेल है वो सेकेंड लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क है इन इंडिया फर्स्ट दिशा फर्स्ट दिशा पुलिस स्टेशन टू डील क्राइम अगेंस्ट वुमेन कौन सी जगह पे लॉन्च uh, किया गया इन आंध्र प्रदेश फर्स्ट दिशा पुलिस स्टेशन कहाँ पे ओपन किया गया इन आंध्र प्रदेश टू डील विद क्राइम अगेंस्ट इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल वॉज लॉन्च बायी विच इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो कहाँ पे लॉन्च किया गया इसको इन न्यू डेली इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल जो है उसको लॉन्च किया गया इन न्यू डेली एंड चाइल्ड ऑफ डेस्टनी ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है प्रोफेसर रामकृष्ण राव की प्रोफेसर रामकृष्ण राव की विच इज़ अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ग्रीन फील्ड एयर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट जो है वो हलंगी में स्टार्ट किया कहाँ पे इन अरुणाचल प्रदेश आपको इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश का पहला एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे बनने जा रहा है इन हलंगी इन अरुणाचल प्रदेश अभी तक अरुणाचल प्रदेश में डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी नहीं थी आपको आसाम के एयरपोर्ट से ही फिर वहाँ से लैंड रूट से जाना पड़ता था कौन सी इंडियन सिटी इंडियन सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज सर्टिफिकेट मिला है फ्रॉम यूनेस्को इन 2020 वर्ल्ड हेरिटेज सर्टिफिकेट मिला है पिंक सिटी को विच इज़ जयपुर तो पिंक सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है जयपुर को और जयपुर को ही वर्ल्ड हेरिटेज सर्टिफिकेट मिला है फ्रॉम यूनेस्को इन टू जो वर्धमान पोर्ट है उसको डेवलप किया जा रहा है इन लैंडलॉर्ड मॉडल कहाँ पे इन महाराष्ट्र तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वर्धमान पोर्ट कौन सी स्टेट में स्टेब्लिश हो रहा है तो महाराष्ट्र में विद द हेल्प ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और इंडिया का बिगेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है जो कि दुनिया का ट्वेंटी एट्थ है वर्ल्ड में ट्वेंटी एट्थ रैंक पे है और इंडिया का बिगेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नेक्स्ट इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी इंडियन नॉमिनेशन इंडिविजुअल कैटेगरी में किसको मिला है डॉक्टर एन एस धर्माशक्तू को ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा भी गया था इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी किसको मिला है 2020 में एन एस धर्माशक्तू को इंडियन फॉर्म जे एस आर ने इंडिजिनस 180 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज एयर टू ग्राउंड मिसाइल को लॉन्च किया है जिसका नाम है खागंटक अगर पूछा जाए खागंटक क्या है तो वो एयर टू ग्राउंड मिसाइल है विद 180 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज लक्ष्मण झूला जो है बहुत फेमस ब्रिज है कहाँ पे है ओवर रिवर गंगा इन ऋषिकेश अब उस उसको रिप्लेस करके ग्लास फ्लोर ब्रिज बनाया जा रहा है तो ग्लास फ्लोर ब्रिज इंडिया में कहाँ पे बन रहा है इन ऋषिकेश ऋषिकेश कहाँ पे है ऋषिकेश इज़ इन उत्तराखंड कलिंगा लिट्रेरी अवार्ड 2020 इज वन बाय इंडिया एंड इंग्लिश राइटर मनोज दास इस अवार्ड को उड़ीसा गवर्नमेंट देती है जो कलिंगा लिट्रेरी अवार्ड है 2020 का वो एक उड़िया एंड इंग्लिश राइटर को मिला है जिनका नाम है मनोज दास ये जो कलिंगा लिटरेरी अवार्ड है इसको उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट देती है और ईयर ये अवार्ड मिला है मनोज दास को गोल्ड मेडल इन सिक्सटी फोर कैटेगरी एट थर्टी फिफ्थ नेशनल वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप किस को मिला है राखी हेल्दर को शीज फ्रॉम वेस्ट बंगाल केरला गवर्नमेंट ने थाउजेंड कुदमश्री होटल्स को स्टार्ट किया ताकि गरीब लोगों को सब्सिडाइज मील मिल पड़े मिले एट द प्राइस रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड होटल्स टू प्रोवाइड सब्सिडाइज मील एट रुपीज़ ट्वेंटी फाइव ये किसका इनिशिएटिव है केरला गवर्नमेंट का जो सन रेडियो इनफन जो सन रेडियो इंटरफर इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट है सनराइज मिशन विच इज़ सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट है जाइंट सोलर पार्टिकल स्ट्रॉम्स को स्टडी करने के लिए जो सोलर स्ट्रॉम्स होते हैं उनको स्टडी करने के लिए इसको किसने अनाउंस किया है नासा ने प्राइम मिनिस्टर ने टू सिक्स किलोमीटर लॉन्ग बुंदेलखंड एक्सप्रेस एक्सप्रेस वे का फाउंडेशन स्टोन रखा है चित्रकूट इन यूपी तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस एक्ष्प्रे, वे टू नाइंटी सिक्स किलोमीटर क्योंकि इसकी फाउंडेशन पीएम ने आ, ले डाउन की है तो दिस इज क्रूशियल तो कहाँ पे इन चित्रकूट यूपी बहुत सारे क्वेश्चन में प्लेस भी पूछ ली जाती हैं तो आप इसको भी माइंड में रखें हमारे जो करंट लोक, लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला उन्होंने सपोषित सुपोषित माँ अभियान जो है सुपोषित माँ अभियान जो है वो कहाँ पे लॉन्च किया इन कोटा राजस्थान बहुत रेयर होता है कि स्पीकर uh, जैसे हैं तो उन्होंने कोई स्कीम uh, लॉन्च की हो लेकिन उन्होंने ये वाला प्रोग्राम uh, स्टार्ट किया सुपोषित माँ अभियान इन कोटा राजस्थान जिसका मोटिव है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्रेगनेंट वेमेन एंड अडोल्ट एंड गर्ल्स नॉर्वे के जो मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट हैं उन्होंने मुंबई की कौन सी रिवर के क्लीनअप में पार्टिसिपेट किया मिथी रिवर तो मिथी रिवर कहाँ है इन मुंबई तो नॉर्वे के जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने उसके क्लीनअप में पार्टिसिपेट किया इंडियन रेलवे ने फर्स्ट रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया कहाँ पे इन आसनसोल रेलवे स्टेशन जो कि है वेस्ट बंगाल में तो रेस्टोरेंट ऑन व्हील सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ आसनसोल रेलवे स्टेशन पे इन वेस्ट बंगाल मोहद्दीन यासिन जो हैं वो न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए कहाँ पे इन मलेशिया नेक्स्ट जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ग्लोबली ऑब्जर्व किया गया अंडर द थीम जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल्स ऑन मार्च फर्स्ट तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है वो किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है ऑन मार्च फर्स्ट और इस साल उसका थीम था जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल्स इंडिया ने डील साइन की जिसमें कि इंडिया सप्लाई करेगा ना कि इंडिया इंपोर्ट करेगा जो मोस्टली होता है इंडिया सप्लाई करेगा फॉर इंडिजली बिल्ड रडार वर्थ फोर्टी मिलियन टू आर्मीनिया ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में बिल्ड की हुई जो रडार्स हैं वो इंडिया सप्लाई करेगा टू आर्मीनिया जो रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे हैं उनको अब अपॉइंट किया गया है एज न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी तो अब उनको फाइनेंस सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया ऑन मार्च थ्री उसका थीम क्या था सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं उनके थीम्स अगेन एंड अगेन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं आप इसको निगलेक्ट नहीं करें जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है उस वो सेलिब्रेट किया जाता है और मार्च थ्री और उसका थीम था सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ गूगल ने अनाउंस किया है कि वो अपना नेक्स्ट क्लाउड रीजन ऑफ इंडिया मुंबई के बाद कहाँ पे स्टेब्लिश करेगा इन डेली बाय 2021 क्लाउड रीजन पहले कौन कहा सेटअप किया गूगल ने अपना मुंबई में अब अब वो करेगा इन डेली By 2021, दुनिया की पहली कंट्री जिसने सारे फॉर्म का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो लोगों के लिए फ्री कर दिया तो देट तो इज लक्समबर्ग लक्समबर्ग यूरोपियन कंट्री है जिन्होंने ऑल फॉर्म ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया जो इंद्रधनुष है वो जॉइंट एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड यू रॉयल एयरफोर्स जो कहाँ पर हुई इन टू एयरफोर्स स्टेशन हिंदन इन यूपी सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो इंद्रधनुष है वो किन दो कंट्रीज के बीच की ज्वाइंट एक्सरसाइज है तो इंडिया एंड यूके इंडियन एयरफोर्स और यूके के रॉयल एयर फोर्स के बीच में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विनर कौन था तो उसका विनर था पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विनर कौन था पंजाब यूनिवर्सिटी सच क्वेश्चन आर इन योर एग्जाम्स ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो ज्वाइंट एक्सरसाइजेज हैं और जो ये खेलो इंडिया गेम स्टार्ट हुई हैं इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स अभी 2020 में कंडक्ट हुए हैं उनमें दोबारा दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है मैक्सिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मैन सिंगल का टाइटल किस कि, कि, किस किसको मिला तो रफेल नडाल को मिला रफेल नडाल को मैक्सिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मैन सिंगल का टाइटल मिला सेंटर ने, ने नेशनल चंबल सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है जो कि जाना जाता है फॉर गंजेटिक डॉल्फिन्स। एंड घड़ियाल सबसे ज़्यादा जो चंबल सेंचुरी है वो घड़ियाल के लिए जाना जाता है और इसको अब इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करने वाली पहली नॉन कम्युनिस्ट कंट्री एशिया में कौन सी थी तो आंसर है इंडिया इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप को 2020 डिप्लोमेटिक रिलेशन को पहल टू uh, में 70 इयर्स हो चुके हैं तो पहली नॉन कम्युनिस्ट कंट्री एशिया में चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करने वाली इंडिया थी विम्बल्डन जो है वो पहली बार कैंसिल किए गए कोरोना के थ्रेट के चलते सिंस वर्ल्ड वार टू जब वर्ल्ड वार टू हुई थी उसके बाद से ये ये जो गेम्स हैं लगातार हो रहे थे वर्ल्ड वार टू का टाइमिंग था 1942-45 उसके बाद पहली बार कोरोना वायरस के चलते विम्बलडन जो है वो कैंसिल हुआ है जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है यूनाइटेड नेशन का कॉप ट्वेंटी सिक्स वो कहाँ नेक्स्ट कहाँ पे होगा तो नेक्स्ट ग्लासगो में होगा इन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में ग्लासगो में होगा कॉप ट्वेंटी सिक्स हर साल जो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है वो किस दिन मनाया जाता है तो अप्रैल टू को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ऑन अप्रैल टू करोना एक कोलाबरेटिव प्लेटफॉर्म है बाय सिविल सर्वेंट्स विद स्टैंड्स फॉर सिविल सर्विस एसोसिएशंस रीच टू सपोर्ट नैचुरल डिजास्टर्स विच इज सिविल एसोसिएशंस रीच टू स्पोर्ट नेचुरल डिजास्टर्स थर्ड एशियन यूथ गेम्स जो है वो नवम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में कौन सी कंट्री में होंगे थर्ड एशियन यूथ गेम्स इन टू थाउजेंड ट्वेंटी चाइना ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी गेम्स फ्यूचर में भी होने वाली होती हैं वो भी एग्जाम में पूछा जाता है कि उनका वेन्यू कहाँ है जीवन एक लो कॉस्ट एनर्जी एफिशिएंट वेंटिलेटर है जिसको कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने डेवलप किया है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में जो कि पंजाब में है तो जीवन क्या है एक वेंटिलेटर है कोविड के लिए जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उन उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आने के बहुत सारे चांसेस हैं हमने पूरी कोविड में सुना आरटीपीसीआर टेस्ट तो आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म है रियल टाइम आर टी स्टैंड फॉर रियल टाइम पी सी आर इज पोलीमिज चेन रिएक्शन तो आर टी पी सी आर क्या है रियल टाइम एनिमल्स ये इस साल किसको मिला है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक को उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक को ये अवार्ड दिया गया टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी हीरो टू एनिमल अवार्ड जो जिसको कि देता है पेटा जिसकी फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स मणिपुर के जो ब्लैक राइस हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है चक हो जिसको की जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है जीआई टैग मिला है आपको एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि इनमें से किसको जीआई टैग मिला है तो अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोनों क्वेश्चन इंटर रिलेटेड लेकिन मैंने अलग अलग फ्रेम किए हैं ताकि आप इसको याद रख पाएं क्योंकि इस साल बहुत कम चीज़ों को जी टैग मिला है लेकिन जिनको जी टैग मिलता है दे आर वेरी क्रुशियल फॉर योर एग्जाम तो इन दोनों क्वेश्चंस को स्टार मार्क करके रखिए गोरखपुर के जो टेरा कोर्टा हैं जिसमें वो लोग बहुत सारे एनिमल्स ये सब बनाते हैं उसको जी टैग मिला है और कडलाई मिठाई कोविल पट्टी को जी टैग मिला है कोविल पट्टी की कडलाई मिठाई जो कि गुड़ के बीच में ग्राउंड ग्राउंडनट जो होता है उसको क्रश करके डाला जाता है इसको जीआई टैग मिला है गोरखपुर के टेराकोटा को मिला है और ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर को मिला है तो आपको पूछा पूछा जा सकता है कि चक हा जो है वो ब्लैक राइस है कहाँ पे कहाँ के जो है वो फेमस है या किसको जीआई टैग मिला है तो आंसर विल बी मणिपुर और टेराकोटा में गोरखपुर के टेराकोटा को मिला है एंड कडलाई मिठाई को जी टैग मिला है यश इज ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ यश को यश चोपड़ा नहीं समझना यश इज ईयर ऑफ़ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ इस प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको लॉन्च किया है यश प्रोग्राम को जो एक्टर ऋषि कपूर थे उनकी डेथ हुई ड्यू टू लुकीमिया जो कि एक तरह का कैंसर है जो किस में पाया जाता है इन ह्यूमन ब्लड एंड बोन मैरो ब्लड या बोन मैरो में होता है लुकीमिया जो है वो ब्लड कैंसर है जिससे उनकी डेथ हुई तो साइंस में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ल्यूकेमिया किस चीज़ का कैंसर है तो दैट इज़ ब्लड इंडिया के न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन कौन है तो टी एस त्रिमूर्ति हैं तो इंडिया न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन इज टी एस त्रिमूर्ति इससे पहले सैयद अकबरुद्दीन थे सेफरन जिसको कि जीआई टैग मिला हुआ है उसकी कल्टीवेशन को अब उसकी जो कल्टीवेशन है वो कहाँ पे ज्यादा होती है इंडिया में तो जो कश्मीर वैली है वो फेमस है सेफ्रन कल्टीवेशन के लिए लेकिन इस साल से उत्तराखंड की कुछ जगह में और हिमाचल की कुछ जगह में भी सैफ्रन कल्टीवेशन को स्टार्ट किया जा रहा है ताकि अदर पार्ट्स में भी हो लेकिन जो जीआई टैग है वो कश्मीर के सेफरन को मिला है सैफरन और इसी से रिलेटेड एक जॉप्री का फैक, फैक भी आपको बताती हूँ कि जो करेवा लैंड जो करेवा सॉइल है जैसे जैसे ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन के लिए जाना जाता है ऐसे जो करेवा सॉइल है वो सैफ्रन कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है जो कि कश्मीर वैली में कश्मीर वैली में पाया जाता है मे 2020 में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू इंडिया की किस स्टेट में फैला था तो आंसर है असम अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जो है वो जो स्वाइन फ्लू है वो किसके साथ रिलेटेड है पिक के साथ रिलेटेड है तो कौन सी इंडियन स्टेट में मे 2020 में फैला था इन असम जो नाइनटीन एशियन गेम है जो कि हांजो में होंगे इन चाइना इन सप्टेम्बर टू सबसे पहले यही क्वेश्चन हो गया कि नाइनटीन एशियन गेम्स जो है कहाँ होंगे इन 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 चाइना सितंबर अभी रिसेंटली उसके जो मैस्केट्स हैं उनको अनवील किया गया जो कि थ्री रोबोट्स हैं जिनका नाम है चोंगचोंग लैनिन एंड चैन चैन विच इज चोंग चोंग एंड शेन चेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैस्कट्स हैं आपको दोबारा दोबारा एग्जाम में पूछे जाएंगे और अभी रिसेंटली अनवील हुए हैं तो ये एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं और इनका नाम भी बहुत डिफरेंट सा है वैसे चोंग चोंग लैनिंग एंड चैन चैन नासा का जो अर्टिमिस जो प्रोजेक्ट है उसका एम है बेस कैम्प बनाना कहाँ पे मून के साउथ पोल पे मून के साउथ पोल पे वो लोग अपना बेस कैम्प बनाना चाहते हैं जो कि नासा का प्रोजेक्ट है आर तो आपको कितनी बार ये पूछ लिया जाता है कि प्रोजेक्ट किस चीज से रिलेटेड है जैसे कि हमने सनराइज मिशन पीछे पढ़ा तो सनराइज मिशन सन से रिलेटेड है जो लाइफ उड़ान है वो इंडिया का प्रोजेक्ट है टू फाइट अगेंस्ट कोविड नाइनटीन जिसको कि किसने लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ऐसे भी जो मिशन उड़ान है पहले भी जो मिशन उड़ान है वो है उड़े देश का आम नागरिक

ये जो क्लॉज है इसका मीनिंग क्या है अनफॉरसिन सर्कमस्टांसिस अनफॉरसिन सर्कमस्टांसिस जो एक्सपेक्ट नहीं किया जैसे सडनली कोविड किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसे सर्कमस्टांसिस में अगर डेथ हो जाती है तो वो भी कवर्ड होगा अंदर लाइफ इंश्योरेंस यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि जो एम पी लैड फंड है एम पी के उनको टेम्परेली सस्पेंड किया जाएगा फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू तक तो टेम्प्ररी सस्पेंड कर दिया गया है फॉर टू इयर्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू एम पी लैड क्या है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड इंडियन नेवी ने समुद्र सेतु जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया टू ब्रिंग बैक द इंडियंस जो कि कहाँ पे फंसे हुए थे ड्यू टू कोविड इन मालदीव तो मालदीव्स में जो भारतीय थे उनको वापस लाने के लिए इंडियन नेवी ने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया दैट इज समुद्र सेतु तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूछा जाता है बार बार कि ये चीज़ ये प्रोजेक्ट किसके साथ रिलेटेड है दुनिया की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस जो है उसको प्रिपेयर किया किसने ऑफर किया सबसे पहले आईआईटी मद्रास ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने सबसे पहले लॉन्च किया है ऑनलाइन बी डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट कंपनी जिसने की एस्ट्रोनोट्स को स्पेस में भेजा वो कौन सी है स्पेस फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट कंपनी टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस इज स्पेस एक्स यूएस कंपनी है रिसर्चर्स एट सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको हमने लास्ट में ही पढ़ा था ये कहाँ पे लोकेटेड है कोची इन केरला में उन्होंने एक रेयर फिश को फाउंड किया है गल्फ़ ऑफ मनार में जिसको लोकली क्या कहते हैं स्कॉर्पियन फिश क्योंकि उसकी जो टेल है उसमें पॉइजन होता है इन्होंने कौन सी रेयर फिश को फाउंड फाउंड किया है इन गल्फ़ ऑफ मनार स्कॉर्पियन फिश एस्ट्रोनॉइड्स ने एक रेयर स्पेस ऑब्जेक्ट को डिस्कवर किया है जो कि एस्ट्रॉयड और कॉमेट दोनों की तरह दिखता है तो उसको नाम दिया गया है एक्टिव एस्ट्रॉयड एक्टिव एक्ट एस्ट्रॉयड एक्टिव एस्टोरायड क्या होता है जिसके जिसमें दोनों के फीचर्स हों जिसका क्योंकि ये ऑर्बिट एस्टोरायड का फॉलो करता है और इसकी जो टेल है वो कॉमेट की जैसी है और इसका नाम रखा गया है टू थाउजेंड नाइनटीन एल डी टू कई बार ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं 2019 LD2 क्या है दिस इज एक्टिव एस्ट्रॉयड जो जो ऑर्बिट फॉलो करता है एस्ट्रॉयड का और टेल है जिसकी कॉमेट के जैसी फर्स्ट अक्टिक्टा एम सैटेलाइट जो है आर्कटिक क्लाइम आर्कटिक के क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को मोनिटर करने के लिए किसने लॉन्च की है रशिया ने तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी सैटेलाइट लॉन्च हुई है पहली सैटेलाइट है लॉन्च तो की इंटरनेशनल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस जो है कोविड नाइनटीन के लिए उसको किसने इनिशिएट किया था यूरोपियन यूनियन ने ऑनलाइन समिट ग्लोबल रिस्पॉन्स इंटरनेशनल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस तो फर्स्ट इराक के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं जो जो एडल अब्दुल महदी थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था नवंबर 2019 में फिर हमने देखा कि केयर टेक्कर प्राइम मिनिस्टर आए तो अब उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं मुस्तफा कदीमी मुस्तफा कदीमी जो हैं वो इराक़ के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं बीच में केयर टेक्कर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं बट ही इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ईरान ईरान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो अपनी करेंसी का नाम चेंज करेंगे तो पहले उनकी करेंसी रियाल थी अब उसको चेंज करके वो लोग उसका नाम टॉमन रखेंगे तोमान जो है तोमान अब वहाँ की इराक की न्यू करेंसी होगी अब अप, उन्होंने अपनी करेंसी का नेम चेंज किया है विच इज़ तोमान तो अगर पूछा जाए तोमान किस कंट्री की करेंसी है तो दैट विल बी ईरान यूनाइटेड नेशन ने जो गुडविल एम्बेसडर थी उसकी फ्रॉम इंडिया उनकी जो टर्म है वो एक्सटेंड कर दी है टिल 2022 एंड ट्वेंटी टू तो गुडविल एम्बेसडर कौन है दिया मिर्जा है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर ऑफ इंडिया कौन है दिया मिर्ज़ा जिनकी टर्म एक्सटेंड कर दी गई है टिल 2022 एंड ट्वेंटी टू इंडिया में एल जी पॉलीमर्स के प्लांट विशाखापटनम में गैस लीक हुई थी तो कौन सी गैस लीक हुई थी दैट इज़ टायरीन आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जो स्टायरिन गैस लीक हुई विशाखापट्टनम में कौन से प्लांट से हुई तो एल जी के पॉलिमर्स प्लांट से हुईल फेनाइल बैनजिन भी कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री स्वनिधि जो स्कीम है वो लॉन्च की किन के लिए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम है जिसका नाम है पीएम स्वनिधि विच इज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है डी उन्होंने एक डिस इन्फेक्शन यूनिट डेवलप किया जिसका नाम क्या था अल्ट्रा स्वच्छ अल्ट्रा स्वच्छ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए तीन नई स्कीम्स को लॉन्च किया इन 2020 जिसमें कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम थी पीआईएल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फिर

विच इज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन इंडिया इंडिया एनर्जी एक्सचेंज को रेगुलेट करता है रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट जो है उसको लॉन्च किया गया बाय इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो इंडिया एनर्जी एक्सचेंज है उसी ने लॉन्च किया है रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्किट आर तो रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है जिसको एनर्जी एक्सचेंज एनर्जी एक्सचेंज ने लॉन्च किया है जिसको कि रेगुलेट करता है सीईआरसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसान क्रेडिट कार्ड कम्पेन टू जून टू ट्वेंटी में लॉन्च किया टू हेल्प डेयरी फार्मर्स तो टू ट्वेंट जून टू ट्वेंटी से जो किसान क्रेडिट कार्ड कंपेन है

वर्ल्ड बाईसाइकिल डे बाई यूनाइटेड नेशंस सिंस टू थाउजेंड कोलकाता पोर्ट पोर्ट ट्रस्ट जो है इस साल उसको वन फिफ्टी उसने अपने सेलिब्रेट किए तो उसको रीनेम करके उसका नाम क्या रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट यूएस जो जी सेवन ग्रुप है उसमें फोर और कंट्रीज़ को इंक्लूड करके उसको जी इलेवन फॉर्म करना चाह रहा है कौन सी फोर कंट्रीज और इसमें ऐड हो रही हैं ऑस्ट्रेलिया रशिया इंडिया एंड साउथ कोरिया ऑस्ट्रेलिया रशिया इंडिया एंड साउथ कोरिया अभी इसको ऐड हुआ नहीं है बट इट वाज इन न्यूज़ तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्रीज अब उस जी सेवन ग्रुप में ऐड होने जा रही हैं दैट इज ऑस्ट्रेलिया रशिया इंडिया एंड साउथ कोरिया नेक्स्ट गवर्नमेंट ने स्वदेश इनिशिएटिव लॉन्च किया था टू मैप द स्किल ऑफ इंडियंस रिटर्निंग फ्रॉम अब्रॉड इसका मोटिव ये था कि जो लोग फॉरेन से आ रहे हैं उनको यहाँ भी आ, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब मिल पाए तो स्वदेश है उसकी फुल फॉर्म थी स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटा बेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटा बेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट पहली बार ऐसा हो रहा है कि फेसबुक और गूगल को किस कंट्री ने ये कहा है कि वो जिस भी मीडिया आउटलेट का न्यूज़ कंटेंट कंटेंट यूज़ करेंगे उसको पे करना होगा मतलब फ्री में उस कंट्री से वो लोग न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाएंगे तो दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया तो वहाँ पे फेसबुक और गूगल अगर वहाँ के मीडिया हाउसेस की कोई भी न्यूज़ चलाते हैं तो उनको उनको पे करना होगा इंडियन ऑयल एनटीपीसी और जो साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट डेवलप करने जा रहे हैं कहाँ पे इन ओखला ओखला लैंडफिल साइट इन दिल्ली सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो है उनके न्यूली अपॉइंटेड जो सीईओ है वो कौन है रविंदर भास्कर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है रविंदर भास्कर इंडिया की एट कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज कौन है ये एग्जाम में अगेन एंड अगेन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से एट कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कि फर्टिलाइजर हैं कोल है क्रूड ऑयल है नेचुरल गैस रिफाइनरी हैं रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं फिर स्टील है नेचुरल गैस है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं स्टील है सीमेंट है एंड इलेक्ट्रिसिटी है तो एट कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज हैं फर्टिलाइजर्स कोल क्रूड ऑयल नेचुरल गैस रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, स्टील सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी इंडिया की इंडिया ने अपनी फर्स्ट वर्चुअल बायोलेट्रल समिट जो है जून टू थाउजेंड में किस कंट्री के साथ ऑर्गेनाइज की विद ऑस्ट्रेलिया इंडिया की फर्स्ट अवर वर्चुअल बायलेटरल समिट किसके साथ कंडक्ट की इन जून टू थाउजेंड विद ऑस्ट्रेलिया चाइना और पाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन किया था कोहाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को लेके ये किस रीजन में वो लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पी में इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कोहाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन्होंने एक इंटर्नशिप लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया विच इज़ ट्यूलिप तो अगर आपसे पूछा जाए ट्यूलिप क्या है एग्ज़ाम में एक इंटर्नशिप लर्निंग प्रोग्राम है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो अपनी नेक्स्ट समिट जो है अंडर द थीम द ग्रेट रीसेट ऑर्गेनाइज करेगी उस फॉरम का जो नाम है उन्होंने रखा है अ यूनिक ट्विन समिट अ यूनिक ट्विन समिट उसका थीम है द ग्रेट रीसेट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी नेक्स्ट समिट का जो थीम है अनाउंस किया है ग्रेट रीसेट और उस फॉरम का नाम रखा है यूनिक ट्विन समिट किसान रथ जो है वो एक मोबाइल ऐप है जिसको डेवलप किया है नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर ने नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने किसान रथ मोबाइल ऐप है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन जो है ये ड्रग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी ये एक्चुअल में किस ट्रीटमेंट के किस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए है तो मलेरिया की ड्रग है ये जिसको कि कोविड नाइन्टीन की, की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जा रहा था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्प्यूट पैनल इस्ट किया है इंडिया की इम्पोर्ट ड्यूटीज पे किस चीज़ से रिलेटेड आईसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के इम्पोर्ट ड्यूटीज को लेके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्प्यूट पैनल सेटअप किया है फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू सबमिट द ऑफ रिजल्टी प्लस प्लस आंसर इज युगांडा युगांडा पहली अफ्रीकन कंट्री है टू सबमिट द रिजल्ट जो रेट प्लस प्लस है मैकेजम है यूनाइटेड नेशन का टू रिड्यूस एमिशन फ्रॉम फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड डीफॉरस्ट्रेशन फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड डीफॉरस्ट्रेशन एक एयरबॉन्ड लॉकटस कंट्रोल सिस्टम जिसको कि इंटीग्रेट किया जा सकता है एम आई सेवनटीन हेलीकॉप्टर के साथ उसको किसने डेवलप किया इंडियन एयरफोर्स ने लॉक्टस कंट्रोल के लिए इसको इंडिया में यूज़ भी किया गया इसको डेवलप किया था इंडियन एयरफोर्स में जिसमें कि एम आई सेवनटीन हेलीकॉप्टर्स को यूज़ किया गया था तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें उन्होंने किस हेलीकॉप्टर को यूज़ किया होम मिनिस्ट्री ने हाई लेवल कमेटी सेटअप की टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज क्रिमिनल लॉज में रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की उसको हेड किसने किया रणबीर सिंह ने तो रणबीर सिंह ने हेड किया अगर पूछा जाए रणबीर सिंह कमेटी किसके साथ रिलेटेड है तो क्रिमिनल लॉज में रिफॉर्म लाने के लिए सच क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट ये आज भी नहीं ये नेक्स्ट ईयर भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इंडिया कृतिका पांडे जो है उनको टू थाउजेंड ट्वेंटी कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज मिला उनकी कौन सी बुक के लिए द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक तो आपको ये भी पूछा जा सकता है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक जो बुक है किसने शॉर्ट स्टोरी है किसने लिखी है इंडिया की कृतिका पांडे ने

कायरोस्टैट जो है उसको इस्टेब्लिश किया फॉर इंस्टॉल किया फॉर ग्लोबल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट की कहाँ पे चल रहा है फ्रांस में तो ग्लोबल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट जो है वो वो कहाँ पे कहाँ पे वर्क कर रहा है इन फ्रांस उस पर वहाँ पे रिसर्च चल रही है उसमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट कायरोस्टैट जो कि एक चैम्बर होता है टू मेंटेन वेरी लो टेम्परेचर उसको लार्सन एंड टर्बो ने इंस्टॉल किया है और ये जो ग्लोबल न्यूक्लियर नु, फ्यूजन प्रोजेक्ट है इट इज़ अंदर आई जो कि इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है ये पहले भी न्यूज़ में रह चुका है आई जो कि कहाँ पे कंडक्ट uh, किया जा रहा है ये एक्सपेरिमेंट इन फ्रांस इंडिया की फर्स्ट प्लाज्मा बैंक फॉर कोविड नाइन्टीन पेशेंट जो ऑपरेशनल हुई कहाँ पे सेटअप uh, की गई इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलीरुज बाइलीरु साइंस इन न्यू डेली तो न्यू डेली में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ जो स्कीम है कौन सी गवर्नमेंट की है डेली गवर्नमेंट की पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ जो मार्स ऑर्बिटर है इसरो का उसने फोबोस की इमेजेस ली जो कि बिगेस्ट मून है किसका मार्स का तो आपको ये सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो फोबोस है वो बिगेस्ट मून है किसका मार्स का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इन किया अलाउ किया है टू नेट टेस्ट को इंडियन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने रिसर्च के ट्रू ट्रू नेट टेस्ट को जो किसके डायग्नोसिस के लिए हैं टीबी के ट्रिब्रल कोसिस के डायग्नोसिस के लिए हैं ट्रू ट्रू नेट टेस्ट तो ये एक बहुत क्रूशियल क्वेश्चन हो जाता है एक तो इंडिया इंडिया के द्वारा टेस्ट है और उसको डब्ल्यू ने अलाउ किया है और किस चीज़ से रिलेटेड है टी से रिलेटेड है मुस्लिम वीमेन राइट डे जो है ये किस दिन मनाया जाता है ऑन अगस्त वन क्योंकि उस दिन ट्रिपल तलाक जो जो लॉ है उस जो ट्रिपल तलाक तलाक जो है उसका लॉ बना उसको क्रिमिनल ऑफेंस घोषित किया गया तो उस दिन से क्या लॉन्च किया गया मुस्लिम वीमेन राइट डे ऑन अगस्त वन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का जो स्वच्छ सर्वेक्षण होगा उसमें अवार्ड्स की कैटेगरी में इस साल एक नया अवार्ड ऐड किया गया है जो कि है प्रेरक दौर सम्मान प्रेरक दौर सम्मान जो है किस किस एक न्यू कैटेगरी ऑफ अवार्ड है अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2021 ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स में पूछा जाएगा क्योंकि अवार्ड्स की एक नई कैटेगरी ऐड हुई है यूके गवर्नमेंट का कंसोर्टियम इन्वॉल्विंग इंडियाज भारती एयरटेल विन बिड फॉर सैटेलाइट फर्म वन वेब हिंदुस्तान Unilever ने जो उनकी मेंस की फेयर एंड लवली की रेंज थी उसका नाम बदल के क्या रखा है ग्लो एंड हैंडसम ग्लो एंड हैंडसम ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज राउंड द वर्ल्ड जो फेयर वर्ल्ड है उसको रिप्लेस कर रहे हैं विद ग्लो एंड हैंडसम मोर देन थ्री हंड्रेड एलिफेंट्स पर फाउंड डेड इन ओका वेंगो डेल्टा इन बॉत्सवाना बॉत्सवाना एफ्रीकन कंट्री है जो लैंड लॉकड है वहाँ पे थ्री हंड्रेड एलिफेंट्स फाउंड डेड ऐसी जो न्यूज होती हैं ये ज्यादातर पूछ ली जाती हैं फ्रांस के न्यूली अपॉइंट अपॉइंटेड जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है तो वो हैं जो कैस्टक जो कैस्टक कैस्टक जो कैस्टेक्स इसको आप जीन पर अनाउंस नहीं करेंगे न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज जो कैस्टेक्स हाकंत जो है वो लार्जेस्ट जेड माइन है वर्ल्ड की कहाँ पे सिचुएटेड है म्यांमार में वहां पे एक इंसिडेंट में कुछ लोग मारे गए लैंड वहां पे लैंडस्लाइड हुआ उस माइन में तो ये जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट जेड माइन है जे, जेड माइन है हकंत वो कहाँ पे है म्यांमार में स्कॉच गोल्ड अवार्ड फॉर इट्स एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल्स थ्रू आईटी टी इन स्कॉलरशिप स्कीम्स किसको मिला, मिला इस साल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला बाइडो जो है वो नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम है ऑफिशियली कमीशन बाय चाइना बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम किस कंट्री का है चाइना का है इंडिया का आई आर एन एस एस है जी पी एस अमेरिका का है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और ग्लॉसनोस जो है वो रशिया का है दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी कौन सी है एप्पल एप्पल ने सरपास कर लिया है सऊदी की अरेमिका को रैमको uh, जो है वो ऑयल uh, कंपनी थी सऊदी अरेबिया की जो कि वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी थी जिसको सरपास कर लिया अब एप्पल ने एप्पल अब वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है अरब वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट बराक जो है वो कहाँ पे स्टेब्लिश हुआ है यू में तो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बराक कहाँ पे है यू में और पहली अरब कंट्री जो uh, मार्स पे जाने का प्लान कर रही है वो भी यू है समर्थ प्लेटफॉर्म जो है वो एक पार्टनरशिप है फाइव एन की आ जो आर्टिस्ट जो होते हैं जो और जो वीवर हैं उन सब को सपोर्ट करने के लिए किसके साथ ये पार्टनरशिप है फ्लिपकार्ट के साथ तो जो समर्थ प्लेटफॉर्म है वो पांच एनजीओ का पार्टनरशिप है विद फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट इज ऑन बाय वॉलमार्ट कंपनी कंज्यूमर मार्केटिंग कंपेन इन इंडिया मोर टुगेदर जो मोर टुगेदर जो कंपेन है ये किसने लॉन्च किया है फेसबुक ने इंटरनेशनल वेबनर ऑन द थीम लोकमान्य तिलक हंड्रेड डेथ एनिवर्सरी पे ऑर्गेनाइज किया गया था कौन सी फ्रीडम फाइटर के बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक जिनको कि लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है टू मार्क्स इज हंड्रेड डेथ एनिवर्सरी स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट जो कोटेशन है बार-बार पूछा जाता है किसने दी थी तो वो इन, इन वो स्लोगन इन्हीं का था नदन रेलवे ने अगस्त फर्स्ट को पहली व्यापार मेला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई फ्रॉम किशनगंज इन दिल्ली टू जिरानिया इन त्रिपुरा तो दिल्ली टू त्रिपुरा फर्स्ट एवर व्यापार मेला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई इस साल रेलवे को लेके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है क्योंकि कोविड में बाकी तो ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा था बट इन्होंने काफ़ी कुछ लॉन्च किया है ट्रेड को चलाने के लिए इंदिरा रसोई योजना जो है वो अर्बन एरियाज में पुअर लोगों को खाना देने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी जिसमें कि सिर्फ रुपीज एट में गरीब व्यक्ति को खाना मिल सकता था तो इंदिरा रसोई योजना किस स्टेट ने लॉन्च की है राजस्थान में जिसमें कि पुअर वुड गेट फूड फॉर जस्ट रुपीस 8 खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन प्रोग्राम जो है ये अगरबत्ती प्रोडक्शन में इंडिया को सेल्फ रिलाइंट बनाने के लिए लॉन्च किया गया ये प्रोग्राम है केवीआईसी का विच इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एमएसएमई मिनिस्ट्रीज के अंदर आता है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन प्रोग्राम जिसका पर्पस क्या है टू तो मेक अगरबत्ती प्रोडक्शन इन इंडिया सेल्फ रिलायंट जो ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया है उस उसने अप्रूवल दिया टू कंडक्ट ट्रायल ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जेनेका कोविड वैक्सीन कोविड शील्ड किसको किसको उन्होंने अलाउ किया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अलाउ किया जो कि कहाँ पे लोकेटेड है पुणे तो ऑक्सफोर्ड की जो कोविड नाइन्टीन की जो वैक्सीन है कोविशील्ड उसके ट्रायल कंडक्ट करने के लिए इंडिया में किसको अलाउ किया गया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विच इज़ लोकेटेड इन पुणे नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है तो जीसी मुर्मू है न्यू कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज़ जीसी मुर्मू नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यूरोपियन गोल्डन शू अवार्ड जो है वो किसको मिला है वो तो मिला है सीरो इमोबाइल को यूरोपियन गोल्डन शू अवार्ड किसको मिला है सीरो एम मोबाइल को थंजेवल गोल्फ रिजॉर्ट जो है उसको स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट के अंदर लॉन्च किया गया इन मिज़ोरम जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो है प्रोजेक्ट है स्वदेश दर्शन उसके अंदर थनजेवल गोल्फ रिजॉर्ट जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया, किया गया इन मिजोरम जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे प्रणब मुखर्जी उनको भारत रत्न मिला मिला इन टू 2020 अगस्त में उनकी डेथ हो गई इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उनको भारत रत्न अवार्ड कब मिला इन 2019 थाउजेंड एंड फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी डॉक्टर एस आई पदमावती अगस्त में इनकी डेथ हो गई बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी इंडिया के फर्स्ट होते हैं हर चीज़ में वो न्यूज़ में बार बार पूछा जाता है तो इंडिया की फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी एस आई पदमावती सुप्रीम कोर्ट ने लॉयर प्रशांत भूषण को

रिवर रूट कनेक्टिंग बांग्लादेश दौद कांडी विथ त्रिपुरा सोनामुरा तो पहला ट्रायल रन कंडक्ट किया गया गोमती रिवर पे रिवर रूट रूट पे किस किस बांग्लादेश को किसके साथ कनेक्ट करने के लिए त्रिपुरा के साथ तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश को त्रिपुरा के साथ कनेक्ट किया गया बाय विच रिवर रूट गोमती रिवर रूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च जो है उसको लॉन्च किया गया एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैंपस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैंपस जो कि कहाँ पे लोकेटेड है इन न्यू डेली उसी के कैंपस पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च को लॉन्च किया गया अमेर चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुंस था रीजन में कौन से पैसिफिक नेशन ने यू को कहा कि वो अपना मिलिट्री बेस उनकी टेरिटरी में बना सकता है तो आंसर इज पलाओ पलाउ नेशन जो है वो पैसिफिक ने आईलैंड नेशन है हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था कि उन्होंने जो सनस्क्रीन क्रीम होती है उसको बैन किया था और उन्होंने यूएस को अलाउ किया है टू बिल्ड मिलिट्री बेस इन इट्स टेरिटरी द लिटल बुक ऑफ ग्रीन नजिस वॉज लॉन्च यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यू की बुक है ये द लिटल बुक ऑफ ग्रीन नजिस विच इज लॉन्च यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम सोशल जस्टिस और इन्पॉर्मेंट मिनिस्ट्री ने ट्वेंटी फोर क्रॉस सेवन टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन लॉन्च किया जिसका नाम क्या है किरण तो किरण अगर पूछा जाए क्या है तो ये एक ट्वेंटी फोर क्रॉस सेवन टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहेबलीटेशन हेल्पलाइन है इसको किसने लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री जो है उसको इनाग्रेट किया गया कहाँ पे इन दुर्गापुर वेस्ट बंगाल वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री कहाँ पे है दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल रिसाइलेंट सप्लाई चेन इनिशिएटिव जो इंडो पैसिफिक पैसिफिक रीजन में है किन कंट्रीज़ के बीच में स्टार्ट किया गया इंडिया जापान एंड ऑस्ट्रेलिया और इसको इसका जो आइडिया है वो जापान ने दिया जो रिसाइलेंट सप्लाई चेन है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था ये जापान का आइडिया था जिससे कि वो अपनी जो डिपेंडेंस है वो चाइना पे कम करना चाहता है और बाकी कंट्रीज़ की क्योंकि चाइना ही बहुत बड़ा मैनुफैक्चरिंग हब है तो ये लोग बाकी कंट्रीज में भी अपना सप्लाई चेन स्टार्ट करके ऐसी सिचुएशन से बचना चाहते हैं जिसमें चाइना ही ज़्यादा ओवर ना कर पाए इसका मेन मोटिव यही था नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है वो इंडिया में कब मनाया जाता है सितंबर वन से लेके सितंबर सेवन के बीच नेशनल न्यूट्रिशन वीक सितंबर वन टू सेवन द टू पॉइंट जीरो वर्जन ऑफ टू थाउजेंड थर्टीन क्लीन योर प्लेट कंपेन जो है ताकि जिससे जो फूड वेस्टेज है उसको रोका जाए किस कंट्री में लॉन्च हुआ चाइना में क्लीन योर प्लेट कैंपेन जो है किस कंट्री में लॉन्च हुआ चाइना में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट जो है इट विल लीड एन इंक्रीज इन द पार्टिसिपेंट्स इन रिन्यूएबल इनर्जी सेक्टर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है अगर आपको पूछा जाए कि जी टी एम ग्रीन टर्म अहेड मार्केट जो है वो किसके लिए है तो रूबल सेक्टर के लिए है अ चैट सर्विस लीगो ऑन गूगल असिस्टेंस किसने लॉन्च किया गया उसको उसको किसने लॉन्च किया आईसीआईसीआई सी आई प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने चैट सर्विस है जिसका नाम है लीगो गूगल असिस्टेंस पे जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए उनकी सुविधा के लिए किसने लॉन्च किया है आईसीआईसीआई ने प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस जो जे एंड के ऑफिशियल लैंग्वेज बिल पास हुआ है उसके अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज की कैटेगरी जम्मू कश्मीर में किस किस लैंग्वेज को दी गई है तो उर्दू लैंग्वेज को दी गई है कश्मीरी को दी गई है डोगरी हिंदी एंड इंग्लिश डोगरी हिंदी एंड इंग्लिश इसमें पांच लैंग्वेजेस हैं उर्दू है कश्मीरी है डोगरी है हिंदी है एंड इंग्लिश है रेलवे बोर्ड का फर्स्ट एवर चेयरमैन और सीईओ कौन बना है वी के यादव वी के यादव हैज बीन अपॉइंटेड फर्स्ट एवर चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड रेलवे बोर्ड की रिस्ट्रक्चरिंग के बाद नंबर ऑफ रेलवे बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो अब पांच कर दिए जाएंगे पहले कितने होते थे एट रेलवे बोर्ड के पहले मेंबर होते थे अब उनको कम करके पांच कर दिया गया है रेलवे बोर्ड ने डिसाइड किया है कि वो अपने एट एग्जिस्टिंग जो ग्रुप ए सर्विसेज थी उनको यूनिफाई करके एक सेंट्रल सर्विस में डाल देंगे जिसका नाम होगा इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस जितने भी एट एग्जिस्टिंग ग्रुप ए की सर्विस थी दे क्लब्ड इनटू अ सेंट्रल सर्विस ये तीनों क्वेश्चन रेलवे के रिस्ट्रक्चर को रिलेटेड हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग जो है उसका दूसरा नाम क्या है मिशन करम योगी मिशन करम योगी का दूसरा नाम नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग जिसका पर्पज डी कैपेसिटी बिल्डिंग है ऑफ सिविल सर्वेंट्स इंडिया का रैंक क्या है इंडिया का रैंक 48 है इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स नेक्स्ट इसको कंपाइल कौन करता है वर्ल्ड इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कॉर्नर यूनिवर्सिटी एंड इन सीड बिजनेस स्कूल तीन इंस्टीट्यूशन मिलके इसको हम कंपाइल करते हैं फिर से जानते हैं वर्ल्ड इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कॉर्नर यूनिवर्सिटी एंड इन सीट बिजनेस स्कूल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया इंडिया काउंसिल में बिजनेस टाइस को एडवांस करने के लिए इंडिया के साथ अपने किस मेंबर को अपॉइंट किया है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू हैडन को जो कि फॉर्मर क्रिकेटर हैं मैथ्यू हैडन को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया इंडिया काउंसिल में अपॉइंट किया है बैरूट में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जो कि कैपिटल है लेबनन की वो किसके चलते हुआ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अमोनियम नाइट्रेट को लेके हुआ और इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट था कि उनका पूरा जो सिटी है वो एकदम क्रंबल्स में आ गया बिल्कुल ही तबाह हो गया तो जो मैसिव एक्सप्लोजन था वो अमोनियम नाइट्रेट के चलते हुआ बेरोट में विच इज़ द कैपिटल ऑफ लेबनन एच बैंक के न्यूली uh, इलेक्टेड जो सी हैं वो कौन है शशिधर जगदीशन शशिधर जगदीशन न्यूज एच डी एफ सी बैंक न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला मुथोन को मुथोन एक मलयालम एंड हिंदी मूवी है जिसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ गोवाना गुआना के न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन है मोहम्मद इरफान अली मोहम्मद इरफान अली इंडिया फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर जो है कहाँ पे सेटअप किया गया है उत्तराखंड में इंडिया फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर हैज बीन सेटअप इन उत्तराखंड गौधन न्याय योजना जिसके अंदर जो काउ डंग है उसको स्टेट गवर्नमेंट कैटल ऑनर से टू रुपीज पर केजी के, के हिसाब से परचेज कर लेगी इसको किस स्टेट ने लॉन्च किया है इसको उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है गौधन न्याय योजना वर्ल्ड कोकोनट डे जो है वो सितंबर टू को सेलिब्रेट किया जाता है उसका थीम क्या था इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव वर्ल्ड इंदिरा टू थाउजेंड ट्वेंटी जो है वो बायलेटर एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड रशिया इस साल बहुत सारी एक्सरसाइज कंडक्ट हुई हैं और ये सारी एक्साइजेस जो हैं अलग अलग एग्जाम में पूछी जाती हैं इंदिरा टू थाउजेंड ट्वेंटी जो है बाई एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड रशिया इंडियन ऑयल ने कब मंगवाया हुआ कौन सा टैंकर था जिसको श्रीलंका के कोस्ट पे आ, कोस्ट पे आग लग गई थी जो कि कुवैत से पैरादीप के लिए आ रहा था इन उड़ीसा पैरादीप इज इन उड़ीसा वहां पे आ रहा था रास्ते में इट कैच फायर इन नियर बाय कोस्ट ऑफ श्रीलंका तो उसका नाम क्या था न्यू डायमंड उस टैंकर का नाम था न्यू डायमंड जिसमें कि श्रीलंका ने फिर इंडिया की हेल्प ली टू डॉज डैट फायर 2020 में एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था बिटवीन नगोर्नो एंड काराबाक रीजन ये कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में डिफ्यूज डिस्प्यूट था इस रीजन को लेके तो आंसर था आर्मेनिया एंड अजरबैजान और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था लगातार फाइनली रशिया ने मीडिएट करके इसको रिजॉल्व किया है इसरो का जो आ, विनस के लिए जो मिशन है विच विल बी लॉन्च इन टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव उसका नाम क्या है उसका नाम है शुक्रिया शुक्रियान जो है वो इंडिया का विनस मिशन है विच विल बी लॉन्च इन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फाइव सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रोज मिजाइल ब्रह्मोस जो है इसको टेस्ट फायर किया गया उसकी रेंज एक्सटेंड कर दी गई है फ्रॉम पहले उसकी रेंज टू थाउजेंड थी अब फोर हंड्रेड किलोमीटर कर दी गई है सरफेस टू तो सरफेस सुपर सोनी क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जिसकी रेंज एक्सटेंड कर दी गई अप्रैल फोर हंड्रेड किलोमीटर इंडियन कोस्ट गार्ड फास्ट पेट्रोल वेसल कनकलता बरुआ जो है उसको कहाँ पे कमीशन किया गया है इन कनक कनकलता बरुआ जो है वो क्या है कोस्ट गार्ड पेट्रोल वेसल है इंडिया का जिसको कमीशन किया गया है इन कोलकाता वर्ल्ड फर्स्ट एस्टोराइड माइनिंग रोबोट जो है किसने लॉन्च किया है चाइना ने तो वर्ल्ड्स फर्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस जो है वो किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है ऑन अक्टूबर टू बर्थ डे ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जॉर्व ऑन अक्टूबर टू इंडियन नेवी ने ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए एरियल सीडिंग की जिससे उन्होंने uh, हेलीकॉप्टर से सीट नीचे फेंके तो ये जो प्रोग्राम था ये कहाँ पे हुआ इन विशाखापट्टनम तो एरियल सीडिंग कहाँ पे लॉन्च की गई विशाखापट्टनम में वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल दुनिया की सबसे लंबी टनल अबव द आल्टीट्यूड ऑफ टेन थाउजेंड फीट जो है कहाँ पे इनाग्रेट की गई बहुत ज़्यादा न्यूज में था और ये मनाली और ले के बीच में की गई इस इससे रिलेटेड कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो आ, आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं जैसे कि जो सेल है उसने उसमें नाइन थाउजेंड टन ऑफ स्टील को यूज किया उस टनल को बिल्ड करने के लिए एक फैक्ट था जो बार बार फ्लैश हो रहा था तो कुड कुर्डी क्योंकि कोई भी लिमिट नहीं होती करंट अफेयर में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग तो नाइन थाउजेंड टन ऑफ स्टील लगा इसमें और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी ज्योग्राफी के आस्पेक्ट से पूछा जाएगा तो ये पीर पंजाल रेंज में है ये टनल पीर पंजाल में है और इसने फोर्टी सिक्स किलोमीटर के डिस्टेंस को फोर्टी सिक्स किलोमीटर के डिस्टेंस को कम करके 9.6 किलोमीटर में कर दिया है तो अब लाहौल स्पीति का जो एरिया जो ऑलमोस्ट सर्दी में कटा रहता था इतने महीने बिल्कुल डिसकनेक्ट हो जाते थे वो लोग अब उनके लिए कनेक्टिविटी हो गई है 46 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कम होकर 9.6 किलोमीटर हो गया है दिस इज़ अ टर्नल बिटवीन मनाली एंड ले नेक्स्ट है नोबल प्राइज़ फॉर मेडिसिन और फिजियोलॉजी टू का जो है किस काम के लिए अवार्ड अवार्ड किया गया फॉर फॉर द ट्रीटमेंट ऑन डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए रेलवे मिनिस्ट्री ने फूलबागान स्टेशन जो है वो इनाग्रेट किया कहाँ पे कोलकाता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर में तो फूलबागान जो स्टेशन है वो कोलकाता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर में इनाग्रेट किया गया ओनली इंडियन जो कि पॉप लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशअल चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स में था वो था एच डी एफ सी बैंक का रवि संथान रवि संथानाम जो है ही वॉज द ओनली इंडियन लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट इन चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स शिवनादर यूनिवर्सिटी सिस्टम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो कहाँ पे सेटअप किया गया है इन ग्रेटर नोएडा यूपी ग्रेटर नोएडा में सेटअप किया गया है शिवनादर यूनिवर्सिटी डिसम्स स नेक्स्ट साउथ पैसिफिक टेरिटरी ऑफ न्यू कैलिडोर्निया जो है उसने रेफरेंडम में रिजेक्ट कर दी फ्रीडम फ्रॉम फ्रांस तो जो न्यू कैलिडोनिया है वो किसके अंडर है फ्रांस के अंडर है और वहाँ टू थाउजेंड ट्वेंटी में रेफरेंडम कंडक्ट हुआ है जिसमें उन्होंने रिजेक्ट कर दी फ्रीडम ये उनका सेकेंड रेफरेंडम था नेक्स्ट ग्लोबल सिंपोजियम टू प्रमोट कटिंग एच टेक्नोलॉजी इन सोलर मैनुफेक्चरिंग इंडिया में हुआ जिसका नाम क्या था द इंडिया पी वी एच टू थाउजेंड ट्वेंटी इंडिया पी वी एच टू थाउजेंड ट्वेंटी किस चीज को रिलेटेड था टू प्रमोट कटिंग एस्ट टेक्नोलॉजीज इन सोलर मैनुफैक्चरिंग इन इंडिया जिसको कि ऑर्गेनाइज किया था नीति आयोग मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिनीबल इनर्जी एंड इन्वेस्ट इंडिया ने नीति आयोग मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिनल एनर्जी एंड इन्वेस्ट एंड इन्वेस्ट इंडिया ने इंडिया और बांग्लादेश ने एक मेगा मिलिट्री की इन बे ऑफ बंगाल जिसका नाम क्या था बोंगो सागर बोंगो सागर बोंगो सागर इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर द न्यू वर्जन ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल शौर्य मिजाइल इन बालासोर विच इज इन उड़ीसा जिन जगह पे टेस्ट होता है कई बार आपको वही जगह डायरेक्टली पूछ ली जाती है कि वो कहाँ पे है बालासोर में बहुत सारी मिजाइल जो है वो टेस्ट होती हैं ये टेस्टिंग रेंज कहाँ पे है उड़ीसा में है और इंडिया ने न्यू वर्जन ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल शौर्य मिसाइल को टेस्ट किया है यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्ग रेंज मेरी पेट्रोल पी एट पी एट पॉजिडॉन जो एयर एयरक्राफ्ट था वो रिफ्यूलिंग के लिए फर्स्ट टाइम इंडिया इंडिया के साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स का कोई भी जो एयरक्राफ्ट है वो रिफ्यूलिंग के लिए रुका है तो कहाँ पे रुका है इन पोर्ट ब्लेयर अंडेमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में रिफ्यूलिंग के लिए रुका था पी एट एयरक्राफ्ट का आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो पी एयरक्राफ्ट जो पोर्ट ब्लेयर में रिफिलिंग कर रुका कौन सी कंट्री का था तो यूनाइटेड स्टेट्स का था नेक्स्ट इज सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य जो है उसकी स्ट्राइक रेंज कितनी है दैट इज सेवन हंड्रेड टू थाउजेंड किलोमीटर्स आप ये मत सोचना कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते सच क्वेश्चन आर आस्क्ड इन द एग्जाम कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सरफेस टू एयर है या सर्फेस टू सर्फेस है कौन सी है तो दिस इज सर्फेस टू तो सर्फेस न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिजाइल शौर्य आर्मी ने जो गलवान वैली में जो चाइनीस ट्रूप के साथ लड़ते हुए जो ट्वेंटी की जो डेथ हुई थी उसके लिए उन्होंने मेमोरियल बिल्ड किया है गलवान वैली में जो कि कहाँ पे लोकेटेड है ईस्टर्न लद्दाख में गलवान वैली कहाँ पे है ईस्टर्न लद्दाख में सच क्वेश्चंस आर आस्ट क्योंकि गलवान वैली बार बार न्यूज में रही है तो वो कहाँ पे लोकेटेड है इन ईस्टर्न लद्दाख इंडियन बॉर्न यूएस एस्ट्रोनॉट जो कल्पना चावला है उनकी डेथ हो गई थी उनके सिक्स के साथ इन स्पेस शटल जिसका नाम था कोलम्बियन टू ये फिर से न्यूज में था क्योंकि उन्होंने जो अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इनके नाम पे ऑन द नेम ऑफ कल्पना चावला तो कल्पना चावला से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आ सकता है कि

जिसकी फुल फॉर्म क्या है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक इंडिया के फर्स्ट फाइव एनिमल ओवरपास जो है वो कहाँ पे बनाए जा रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के ऊपर फाइव एनिमल ओवर बनाए जा रहे हैं हर साल नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो कब मनाया जाता है इंडिया में अक्टूबर सेकेंड से अक्टूबर एट अक्टूबर सेकेंड से अक्टूबर एट के बीच नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है ग्लोबल वर्चुअल सम्मिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया ने ऑर्गेनाइज की विच इज रेस आर ए आई एस सी रेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल इंपावरमेंट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू रिस्पॉन्सिबल ए आई फॉर सोशल इंपावरमेंट टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू और इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर हैं ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जी पी ए आई का जी पी ए आई विच इज़ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके बाकी मेंबर्स हैं यूएस ऑस्ट्रेलिया यूके फ्रांस जर्मनी एंड कैनेडा जिसको कि 2019 में फॉर्म किया गया इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर है उसी के अंडर जो वर्चुअल ग्लोबल वर्चुअल सम्मिट हुई वो थी रेज दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट टू

सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो दैट इज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो जिसको टेस्ट किया गया व्हीलर आइलैंड पे जो कि ओडिशा में है बांग्लादेश और यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कैरेट जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है? इन चिटागोंग कैरेट की फुल फॉर्म है कॉपरेशन ऑफ लॉट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग

व्यंपति गो इलेक्ट्रिक कैंपेन जो है इट वाज लॉन्च बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन कोऑर्डिनेशन विद आंध्र प्रदेश स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन मिशन तो आंध्र प्रदेश के स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन मिशन के साथ गो इलेक्ट्रिक कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी डीआरडीओ ने नया वर्जन ऑफ पिनाका रॉकेट सिस्टम को कहां पे टेस्ट किया चांदीपुर ओडिसा में चांदीपुर उड़ीसा में न्यू वर्जन ऑफ पिनाका रॉकेट सिस्टम पिनाका क्या है इंडिया का रॉकेट सिस्टम जिसको डीआरडीओ ने टेस्ट किया मिडल ईस्ट कंट्री जो विच इज गोइंग फॉर इज फर्स्ट नेशनल इलेक्शन इज कतर मिडल ईस्ट कंट्री टू गो फॉर इज फर्स्ट नेशनल इलेक्शन इज कतर कतर के पैनल वो सेटअप बाय एन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल टू प्रोवाइड अ रिपोर्ट अबाउट बागजान ऑयल वेल्थ फायर जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड का बागजान ऑयल वेल असम में है जिसमें कि इस साल आग लगी थी और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था उस उसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक पैनल सेटअप किया अंदर काता के तो आपको ये पूछा जा सकता है एक पैनल किस चीज़ के साथ रिलेटेड है तो इस ऑयल वेल के साथ रिलेटेड ऑयल वेल के साथ जो इंसिडेंट हुआ उसकी रिपोर्ट के लिए रिलेटेड है बाल्टिक स्टेट्स कौन कौन सी हैं तो लुथेनिया एंड इस्टोनिया ये तीन को तीन कंट्रीज को बाल्टिक स्टेट्स कहा जाता है क्योंकि तीनों कंट्रीज बाल्टिक सी के साथ लगी हुई हैं और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि इन बाल्टिक स्टेट्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस क्यों किया है आ, आपने न्यूज में सुना होगा कि जो एयरबल एग्रीमेंट था कुछ कंट्रीज़ ने किया था तो सबसे पहले जो आ, कोविड के दौरान जो एयर बबल एग्रीमेंट था वो इन क, इन तीन कंट्रीज ने ही स्टार्ट किया था इन तीनों कंट्रीज ने एक दूसरे को अलाउ किया था एयर बबल का मतलब भी यही था कि कौन सी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ अपना एयर ट्रेवल स्टार्ट कर रही है नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन और फिजियोलॉजी जो टू था जो हमने अभी पढ़ा हेपेटाइटिस सी की आ, उसके लिए था वायरस की आ, डिस्कवरी के लिए था ये किनको मिला तो ये अवार्ड हार्वे जे ऑल्टर को मिला माइकल हॉटन को मिला और चार्ल्स एम राइस को मिला हार्वे जे ऑल्टर आपको ये सारे नाम याद रखने होंगे हार्वे जे ऑल्टर माइकल हॉटन चार्ल्स एम राइस फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेटेड वन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेटेड वन फोर्टी फिफ्थ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वल्लभ भाई पटेल प्राइम मिनिस्टर ने सी प्लेन सर्विस इंडिया की फर्स्ट सी प्लेन सर्विस लॉन्च की बिटवीन स्टैचू ऑफ यूनिटी एट केवादिया एंड साबरमती रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद तो कहाँ पे लॉन्च किया उन्होंने अहमदाबाद में जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी टॉलेस स्टैचू और साबरमती रिवर फ्रंट के रिवर फ्रंट को ज्वाइन करता है मानसर लेक डेवलपमेंट प्लान प्लान जो है उसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है मानसर लेक डेवलपमेंट प्लान लॉन्च किया गया है इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनेस्को ने पन्ना नेशनल पार्क को बायोस्फेयर रिजर्व जो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फेयर रिज़र्व है जो प्लान है उसके अंदर उन्होंने पन्ना नेशनल पार्क को रिकोगनाइज़ किया एज अ बायोस्फेयर रिज़र्व तो पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में ये टाइगर रिजर्व भी है मध्य प्रदेश में है और ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फेयर प्रोग्राम के अंदर उन्होंने इसको सिलेक्ट किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड स्ट्रॉगर गोनी जो है वो कहाँ पे आया था टाइफून गोनी जो है वो कौन सी कंट्री में आया था इन फिलीपींस टाइफून गोनी हिट द ईस्टर्न पार्ट ऑफ फिलीपींस फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ने ट्वेंटी टू हंड्रेड करोड़ रुपीज रिलीज किए हैं फिफ्टीन स्टेट्स के लिए ट्वेंटी टू हंड्रेड करोड़ फिफ्टीन स्टेट्स को दिए हैं टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी मेजर्स ये आपको अभी नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम में लगातार पूछा जाएगा क्योंकि आ, जो फाइनेंस कमीशन है उसकी रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्होंने रेकमेंड किया और गवर्नमेंट ने ट्वेंटी टू हंड्रेड करोड़ रुपीज रिलीज किए टू फिफ्टीन स्टेट्स टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी मेजर्स मिशन सागर फेज टू जो है उसके अंडर इंडियन नेवलशिप जो एरावत है वो फूड डिलीवर करेगी टू तो सुडान जुबूती साउथ सुदान एंड इरिटिया इन चार कंट्रीज में होगा साउथ सुडान में होगा इसके साथ मिशन वन को हमने अपनी फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था मिशन सागर का जो फेज टू है जिसके अंदर जो जो फूड और मेडिकल एड है वो इंडिया देगा टू सूडान साउथ इरिट्रिया इन चार कंट्रीज को ऑन दूड डे सेब्रेशन नवम्बर स्कीम कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है छत्तीसगढ़ ने छत्तीसगढ़ ने नवंबर फर्स्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी जो उसका स्टेट स्टेटहुड डे है उस दिन फोर्टीफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम लॉन्च की है जो फोर्टिफाइड राइस हैं वो किस उसमें क्या क्या पाया जाता है विटामिन बी ट्वेल्व आयरन एंड फॉलिक एसिड तो फोर्टिफाइड राइस जो है वो किस लिए न्यूट्रीशियज हैं क्योंकि उसमें विटामिन बी ट्वेल्व है आयरन एंड फॉलिक एसिड है आर्कोलॉजिस्ट ने फाइंड किया है कि जो हड़प्पन लोग थे इवन बिफोर ट्वेंटी फाइव हंड्रेड बी सी वो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे और ये कहाँ पे पता चला है इन कोटाडा बादली इन गुजरात वहाँ पे जो पॉट्स थे जो मिट्टी के जो बर्तन थे उन्होंने उसमें से उसमें पोर्स में पोर्स के अंदर से एक्सट्रैक्ट करके उन्होंने इस चीज़ को सर्च करके बताया कार्बन डेटिंग के मेथड से कि वो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज़ करते थे और जिसमें डेयरी में ज़्यादातर कैटल्स यूज़ करते थे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो वो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है बार बार तो डेयरी प्रोडक्ट्स का जो आ, पहला जो एविडेंस है वो कहाँ से मिला है कोटादा बाल्दी से इन गुजरात इंडो इजराइली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन लेड इन खेतरी इन द आउटस्कर्ट ऑफ गुवाहाटी असम गुवाहाटी में असम में इंडो इसराइली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन पे इन इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ गुवाहाटी असम गंगा उत्सव जो है इट इज ऑर्गेनाइज बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा सेलिब्रेटिंग द ट्वेल्थ एनिवर्सरी ऑफ डिक्लेयरिंग रिवर गैन एज नेशनल रिवर तो जो गंगा उत्सव है उसको ऑर्गेनाइज कौन करता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है एंड इस साल उन्होंने उसका ट्वेल्थ एनिवर्सरी मनाया ऑफ डिक्लेयरिंग रिवर गंगेज़ एज नेशनल रिवर इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सी फोर फाइव टू वॉज कमीशन इन रत्नागिरी महाराष्ट्र द शिप वॉज डिजाइंड एंड बिल्ड बाय लार्सन एंड टर्बो एलएनटी ने इसको बिल्ड किया है टीएन कृष्णन की रिसेंटली डेथ हो गई ही वॉज अ रिनाउंड कार्नाटिक म्यूजिक वायलिनिस्ट कार्नाटिक म्यूजिक के

पोर्टुगल के द्वारते पेचेको प्रेजिडेंट ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन द्वारते पचेको ऑफ पोर्टुगल अस्ट्रावे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसको रशिया ने बिल्ड किया है जो कि फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट है कौन सी कंट्री का बेलारस का तो अस्ट्रावे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कौन सी कंट्री का फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट है बेलरस का उसको किसने बिल्ड किया है रशिया ने 2010 मेगावाट का जो लोहरी स्टेज वन हाइड्रो पार प्रोजेक्ट है न्यूज़ में था कौन सी रिवर पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है रिवर सतलुज पे और ये कहाँ पे कौन सी स्टेट में होगा इन हिमाचल प्रदेश स्नैम एक इटालियन इन, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म है जिसने एग्रीमेंट साइन किया है ग्रीनको के साथ ग्रीनको इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है टू डेवलप हाइड्रोजन वैल्यू चेन टू डेवलप हाइड्रोजन वैल्यू चेन कंट्री सच एज नॉर्वे डेनमार्क फिनलैंड स्वीडन और आइसलैंड इनको कौन सी कंट्रीज कहा जाता है जैसे हमने बाल्टिक स्टेट्स पढ़ा तो इनको नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है नॉर्वे डेनमार्क फिनलैंड स्वीडन और आइसलैंड जो है दे आर नॉन एज नॉर्डिक कंट्रीज नवम्बर फिफ्थ टू थाउजेंड ट्वेंटी को फर्स्ट इंडियन नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव हुआ था फर्स्ट पहला जिसमें कौन किस किस ने पार्टिसिपेट किया फर्स्ट इंडिया इंडिया था देन नॉर्डिक था देन बाल्टिक कॉन्क्लेव हुआ है तो बाल्टिक नेशंस में हमने पीछे पढ़ लिया तीन तीन कंट्रीज हैं नॉर्डिक में पांच कंट्रीज और इंडिया इनका कॉन्क्लेव हुआ नवंबर फिफ्थ जो कि वर्चुअल था एवरी ईयर इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लोटेशन ऑफ द एनवायरमेंट इन वॉर एंड आर्म कंफ्लिक्ट इज मार्क्ड ऑन नवंबर सिक्स इंटरनेशनल डे फॉर प्रवेंटिंग द एक्सप्लेशन ऑफ इन्वायरमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर सिक्स को जो तो सेकंड बैच ऑफ रफेल जेट्स है वो जामनगर एयरबेस में अराइव किए गए तो जामनगर एयरबेस कहाँ पे है इन विद स्टेट इट इज इन गुजरात जो फर्स्ट बैच था रफेल्स का वो कहाँ पर आया अम्बाला में हमने इसको पढ़ा जो सेकेंड बे बैचरफेल का कहाँ पे आया जामनगर एयरबेस में विच इज इन गुजरात साइंटिस्ट ने एक मैसिव डिटेस्ड कोरल रीफ फाइंड किया जो बहुत बड़ा है लेकिन मेन कोरल रीफ से डिटैच्ड है तो कहाँ पे है ग्रेट बैरियर रीफ में अब कितने एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ पे है तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे है इंडियन आर्मी कौन से इंडियन आर्मी चीफ को रैंक ऑफ ऑनरी जर्नल ऑफ नेपाल आर्मी का ऑनर मिला है रिसेंटली मनोज मुकंद को इंडियन आर्मी चीफ मनोज मुकंद को ऑनरी रैंक मिला है जर्नल ऑफ नेपाल आर्मी का इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसने अनाउंस किया है कि कि वो नेक्स्ट मॉनसून से फॉरकास्ट करेंगे किस चीज़ को मलेरिया आउटब्रेक को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो कमिंग मानसून से फोरकास्ट करेंगे मलेरिया आउटब्रेक को तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मलेरिया आउटब्रेक को आ, कौन फोरकास्ट करेगा इंडिया में तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी न्यूली अपॉइंटेड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज यशवर्धन के सिन्हा यशवर्धन के सिन्हा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सीआईसी ऑफ इंडिया नवम्बर ट्वेंटी में इंडिया ने फिफ्टीन पैक्ट साइन किए विध विच कंट्री विद इटली ट्वेंटी एंड इंडो डेंटर ऑफ एक्सी वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स कहाँ पे इनाग्रेट uh, किया गया इन वायनाथ वायनाथ डिस्ट्रिक्टरलायनाथ डिस्ट्रिक ऑफ केरेला वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंडन जो है वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंडन जो है उन्होंने केरला टूरिज्म को अवार्ड दिया ऑफ हाईली कमेंडेड अवार्ड हाईली कमेंडेड कि किस तरह से उन्होंने कोविड में मैनेज मैनेज किया उसके लिए उनको केरला टूरिज्म को अवार्ड मिला हाईली कमेंडेड अवार्ड फर्स्ट एवर होल्ड द पोजिशन ऑफ वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद फर्स्ट एवर फिर से फर्स्ट एवर आया है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एवर वीमेन टू होल्ड पोजीशन ऑफ वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद इज प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव वर्ल्ड्स लोनलीस्ट एलिफेंट दुनिया का सबसे अकेला जो एलिफेंट uh, था कावान उसको पाकिस्तान से कहाँ मूव किया गया है कम्बोडिया में ये जो एलिफेंट है ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में था कावान किसका नाम है एक, एक एलिफेंट का नाम रखा गया जो कि लोनलीस्ट एलिफेंट जिसको कहा जाता था पाकिस्तान का एक लोता एलिफेंट था जिसको कम्बोडिया में शिफ्ट कर दिया गया है माउंट जो है वो एक्टिव है इन ईस्ट जावा इंडोनेशिया इरप्शन के चलते ये भी न्यूज में था माउंट ऐसे ही इसी साल ही माउंट सिनोबू जो है वो भी वहां पे इरप्ट किया और जो माउंट सिमिरू है वो भी ईस्टर्न जावा में है एक्टिव वॉलैनो है एवरी ईयर जो वर्ल्ड एड्स डे है वो किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे दिसंबर फर्स्ट को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर वन अकॉर्डिंग टू यू एस एयर क्वालिटी इंडेक्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड इज लाहौर लाहौर इन पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है और उसके बाद न्यू डेली दिल्ली दुनिया का सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड है जो हॉनबिल फेस्टिवल है जिसको कि फेस्टिवल्स और फेस्टिवल भी कहा जाता है ये टेन डे का एनुअल कल्चरल फेस्ट है कौन सी स्टेट का नागालैंड का तो हॉर्नबिल कहाँ का फेस्टिवल है नागालैंड का तो इसी के साथ हमारी जो सेकेंड रिविजन सीरीज़ है वो कम्प्लीट होती है मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सीरीज़ को अच्छे से ध्यान से पढ़ें और ये आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी अगर आपको हमारी सीरीज़ अच्छी लगी हमारा एफर्ट अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल प्लीज़ डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले थैंक यू